खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में शहीद हुए कार सेवकों की याद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में दधीचि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने फीता काट कर किया। प्रांतीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद हर्षवर्धन सिंह ने कहा, कोठारी बंधुओं सहित तमाम शहीद हुए कार सेवकों की स्मृति में प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर एसडीएम संजय कुमार सिंह, सीओ सिटी विशाल जायसवाल, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित सिंह, धर्मेंद्र सिंह, विमलेश दीक्षित, कार्यक्रम के सह संयोजक हिमांशु गुप्ता, आराध्य मिश्रा, मनु मिश्रा, निर्दोष कुमार मौजूद रहे। आयोजक अनुराग द्विवेदी अनुविनीत ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। हम लोग जो है रक्तदान करते हैं और 2 नवंबर 1990 की घटना में तमाम कार सेवक जो है वो शहीद हुए थे, तो उस समय से ऐसा सबने व्रत लिया था बजरंग दल के लोग जो है, तब से ये कार्यक्रम चलता चला आ रहा है। आज यहाँ हरदोई में भी उसी के निमित्त कार्यक्रम दिया। कितने लगभग लोगों ने अभी तक दिया है और क्या उम्मीद है कितना लग गया? 36 के ऊपर संख्या अभी तक हो चुकी है और हमारा 50 के ऊपर का टारगेट था, वो पूरा हो जाएगा। यूपी के हरदोई से कैमरामैन नवल किशोर के साथ अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।